हेलो गाइस, स्वागत है आपका जीएस रसोई में। आज हम बना रहे हैं तुराई की सब्जी। तुराई दो प्रकार की होती है, दो तरह की होती है, लेकिन इसको इंग्लिश में रिच गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। आपके शहर में इसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे पहाड़ों में इसे गुदड़ी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसकी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे, जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा आपको। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तुराई की इस सब्जी को बनाने के लिए पहले हमने तुराई को अच्छे से छील लेना है। इसके जो छिलके होते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं। आज हम इसे बिल्कुल नया और यूनिक तरीके से बना रहे हैं। तो जब भी आपको तुराई बाज़ार से लेके आनी है, तो आपको छोटी साइज़ की, पतली साइज़ की तुराई लेके आनी है। तो ये हमने अब छील लिया है, इसके आगे पीछे से कट कर लेंगे। छील के एक बारी अच्छे से धो लिया है और इसे अब काट लेते हैं। ऐसे कट करेंगे और उसके बाद इसके बड़े बड़े पीसेस करेंगे। तो इसके हमने बड़े बड़े पीसेस रखे हैं, क्योंकि जब हम इसको सब्जी बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी दिखेगी, आपको ऐसा लगेगा ये फिश है। इसे रखते हैं साइड में और इसे हम आज कुकर में बनाने जा रहे हैं। कुकर में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल। तो सरसों का ऑयल में इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो सरसों का ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे हम 1 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच जीरा, और अब हमने एक प्याज को बारीक चॉप करके रखा था, वो भी ऐड कर देंगे। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गया है, इसी में हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच देगी मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे भी हमने हल्का सा इसके अंदर भून लिया है। अब हमने जो इसके लिए 3 टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड करके रखा था, उसी के साथ हमने अदरक और लहसुन को भी ग्राइंड कर दिया था, तो वो भी ऐड कर देंगे। अब साथ में हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। अब इस ग्रेवी को हम तब तक पकने देंगे जब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। इसे हम नॉर्मली ऐसे ढक के रख देंगे। तो तुराई के लिए हमारी ग्रेवी भी यहाँ पे तैयार हो गई है, ये देखिएगा ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अच्छे से मसाला अब रेडी हो गया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तुराई, और इसे हम पहले मसालों के साथ 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। दोस्तों इसे भुने हुए 2 मिनट हो गए हैं मसाले के साथ। इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी ऐड कर दिया इसमें, और अब हम इसे 3 से 4 विसल दे देंगे। तो कुकर को यहाँ पे बंद कर लेते हैं और इसे हम 3 से 4 विसल दे देते हैं। तुराई की सब्जी को 4 से 5 विसल आ चुकी है, तो अब इसे इसकी स्टीम भी अब निकल चुकी है। तो इसे आप खोल के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सब्जी तैयार हो गई है या नहीं हुई है। ये देखिएगा दोस्तों, लग रहा है ना ऐसे जैसे फिश हो। थोड़ी देर बिना ढक्कन का ही ऐसे पका लेते हैं, क्योंकि रस्सा इसमें ज़्यादा हो गया है। अगर आपको रस्सा इसमें ज़्यादा चाहिए हो तो आप इसे राइस के साथ भी ले सकते हैं। तो अब हमारी तुराई की सब्जी तैयार हो गई है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं दूसरे बर्तन में। आप इसे रोटी, चावल, परौंठी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करके ले सकते हैं, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। साथ ही ये सब्जी हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। एक बारी इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है। साथ ही कमेंट करके बताइएगा आपको यह रेसिपी कैसे लगी। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो अगर आपने अभी तक जीएस रसोई यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप जीएस रसोई यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस रसोई चैनल। मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।